रजनीश मैं आपके पास आ रही हूँ। जब भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया गया तब भी के सुरेश को इस बात की आपत्ति थी, ये बात निकलकर सामने आई, और फिर अगले ही दिन विपक्ष की ओर से स्पीकर पद के उम्मीदवार को भी सामने ले आया जाता है। अब 26 जून कल देखने वाली बात होगी कि चुनाव होता है, कैसे होता है चुनाव। बिल्कुल, देखिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है, और दो व्यक्तियों का ये चुनाव नहीं है बल्कि दो गठबंधनों का ये चुनाव है। और साफ तौर पर ऐसा समझ में आ रहा है कि जो संख्या बल है वो सरकार के पक्ष में है, और ओम बिरला देश के लोकसभा के अगले स्पीकर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष भी इस बार लड़ाई लड़ते हुए दिखना चाहता है। 10 साल तक देश की संसद में कोई विपक्ष का नेता नहीं था लोकसभा में, इस बार विपक्ष का नेता का स्टेटस उन्हें मिला है, मैंडेट भी उन्हें लगता है कि उनके हिसाब से ठीक ठाक मिला है, तो ऐसे में उस मैंडेट का सम्मान करते हुए वो लोकतंत्र में लड़ते हुए दिखना चाहते हैं। और यही वजह है कि ये लड़ाई लड़ी जा रही है, और पहली बार देश के इतिहास में, देश के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसके पीछे की जो लॉजिक है, जो स्ट्रेटेजी है, वो यही है कि देश के लोगों तक ये मैसेज दिया जाना है कि बीजेपी और NDA गठबंधन से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार है, और चूंकि इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए के सुरेश को इस पद के लिए आगे किया गया है, ताकि राहुल गांधी का ये मैसेज देश के लोगों तक जाए कि बीजेपी से और NDA से वो लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी लड़ रही है, और उनके साथ पूरा इंडिया गठबंधन साथ में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो यानी मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रजनीश, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि इस पूरे मामले पर विपक्ष ये बताना चाहता है कि वो मजबूती के साथ खड़ा है सरकार के खिलाफ, और सरकार की जो अपनी मनमानी है उसके खिलाफ विपक्ष बोलेगा ही। अमो शायद यही मंशा है, इसीलिए ही स्पीकर पद को लेकर या डिप्टी स्पीकर पद को लेकर ये बात आगे बढ़ाई गई केसी वेणुगोपाल की तरफ से, और फिर राहुल गांधी ने भी कहा, अखिलेश यादव ने भी कहा। निश्चित तौर पे देखिए यही बात है, और विपक्ष के द्वारा लगातार ये कोशिश किया जाएगा, आगे भी किया जाएगा, जैसा अभी मनसा दिख रहा है उससे ये साफ भी है कि आगे भी ये कोशिश किया जाएगा कि उनको जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने चुन कर भेजा है, वो अपने वोटर को एड्रेस कर रहे हैं कि जिसके लिए आपने हमें भेजा है कि हम एक मजबूत सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो जानते हुए भी कि यहाँ पर NDA की जीत सुनिश्चित होनी है, ओम बिरला के पक्ष में नंबर गेम है, उसके बावजूद अगर खड़ा हो रहे हैं और अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं, तो इसके पीछे मंशा यही हो सकती है कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं अपने वोटर को, वो मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो जिन्होंने उनको एक सशक्त विपक्ष की भूमिका दी है। निश्चित तौर पे बीजेपी की कोशिश ये भी होगी कि वो सबको सामूहिकता में लेकर चल रहा ये दिखाने की कोशिश भी सरकार की तरफ से होगी। कल प्रधानमंत्री ने ये बात साफ कही थी, और आज सारे नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें भी साफ है, जिस तरह से KC वेणुगोपाल ने ये कहा कि नहीं, तत्क्षण ये निर्णय होना चाहिए कि उपाध्यक्ष के पद पर विपक्ष का नेता आसीन होगा, तो ये अपने आप में दिखाता है कि किसी भी तरह से विपक्ष ये चाहता था कि उसको मौका मिले कि वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके अध्यक्ष। बिल्कुल, आमोद में रोक रही हूँ, प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। नहीं तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। तो डिंपल यादव को आपने सुना, वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि सदन में NDA के नंबर ज्यादा है, पक्ष ज्यादा है, इसीलिए ओम बिरला की जीत आगे बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन विपक्ष ने कड़ी चुनौती दी है सरकार को।